मम्मी मम्मी खाने में क्या बनाया जल्दी लाओ, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे बेटा मैंने ना गाजर मटर बनाई, जाके खा ले। क्या यार मम्मी मुझे नहीं खाना, कल आपने गोभी के साथ गाजर बनाया था, आज मटर के साथ गाजर। एक काम करो आप ना अचार के साथ मुझे गर्मा गर्म पराठे बना के दे दो। अरे ठीक है मेरा बेटा अभी लेके आती हूँ, कल मैंने ताजा ताजा डाला था गाजर का अचार। रुक अभी लाई गाजर गाजर गाजर, मेरी भूख ही मर गई है, रहने दो आप। अच्छा चल बेटा तू कुछ मत खा, अपनी फेवरेट डिश तो खा ले। क्या बनाया है? गाजर का हलवा, गरम गरम। आज खा ले कुछ। मम्मी भी ना जब देखो गाजर 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 ही खा लो, मुझे नहीं खाना। गाजर वो भी चलती फिरती। दूर मेरे पास मत आना गाजर, दूर हो दूर। अबे ओ क्या गाजर गाजर, सपना हूँ मैं। सर्दियों में सब्जियों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो? वो कुछ नहीं बोलते, तेरी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम तो सॉल्व होती नहीं, बढ़िया ही तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। चल निकल आप, चलो। अरे भाई आजकल तो इतनी सर्दी होने लगी है, क्या पता टेम्परेचर कितना चाहिए, स्वेटर पहन के ऊपर से शर्ट पहन लेती हूँ। अरे यार ये दबजा एक तो, हाँ ये स्वेटर और ये कोट भी सुंदर लग रही है। अरे इसमें तो ठंड के मारे मर जाऊंगे, बहुत ठंड है, अब क्या करूँ। ये मिल गया ना रामबान पियर्स लेगिंग, अब पहन लेती हूँ इसको। हाँ अरे ये तो स्ट्रेचेबल भी है, मजा आ गया। ये पहन लिए जूते और अब बन गए एकदम मैं प्रिंसेस। कितना अच्छा लग रहा है, अब तो मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। एक काम करती हूँ स्कर्ट को थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ, थोड़ा सा दबा लिया। ओ बस 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 परफेक्ट, अब तो सब मुझे ही देखेंगे। अब तो मुझे भी ठंडी लगेगी स्टाइलिश प्लीट लेगिंग से। अभी ऑर्डर करती हूँ। ये तो 700 रुपए का है, बहुत महंगा है। मुझे तो 20 रुपए ही मिलते हैं, जिसमें से 10 रुपए तो रिक्शा के जाएंगे, और सेव करने गई तो 3 से 4 महीने तो लगेंगे। तब तक तो ठंडी चली जाएगी यार, क्या करूं। मम्मी के पास चलते हैं। मम्मी मम्मी 1000 रुपए दो ना प्लीज, लेगिंग्स चाहिए। वो सर्दियों में स्कर्ट के नीचे ठंड लग जाएगी ना, इसलिए। शुक्र मनाओ तुम्हें स्कूल जाने को मिल रहा है, हमारे जमाने में तो हमें वो भी नहीं मिलता था। ये ले, ये पकड़, लेगिंग्स पहन ले चुपचाप से। पता नहीं क्या क्या लगू लुगू, पता नहीं क्या चाहिए। मम्मी ये कौन पहनता है? आजकल की हमारी देसी मम्मियां ना ऐसी होती हैं। पर अगर आपके पास पैसे हो ना प्लीज लेगिंग्स याद से ले लेना, बहुत काम आने वाला है सर्दियों में। ओह नो, लगता है कुछ ज्यादा पड़ लिया इसलिए आंखें जलने लग गई। ओहो अब तो कुछ ज्यादा जलने लग गई, क्या करूँ। अच्छा मुझे याद है, मैं तो देसी हूँ, पानी के छींटे मार लेती हूँ अपनी आंखों में, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब राहत मिली ना। चीनी खा रखी है, चीनी खाने का मन कर रहा है। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। और सुन सबरा, तूने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया? ओह माय गॉड, तेरे मुंह में से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। ओह नो। ये सारी चीजें ना डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, जैसे आंखें जलना, मुंह से गंदी स्मेल आना, या चीनी खाने की क्रेविंग होना। और सबसे बड़ा रीजन है पानी ना पीना। और यूजुअली हम ठंडी में पानी पीना स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि बार बार सूसू जाना पड़ता है और इतनी ठंड लगती है। बट हमारी बॉडी को पानी की नीड तो है ही ना, अब उसके लिए क्या किया जाए। अलार्म लगा ले 1-1 घंटे का, पानी पीते रहियो। और हाँ अलार्म ना गाली वाला लगाना। गाली वाला क्यों? अब इसके जैसे लातों के भूत बातों से तो मानेंगे नहीं, इसलिए। और तुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, समझी? चल अब निकल। ये अब तो मैं दीदी का बताया हुआ हैक कर रही हूँ। कुत्ती कमीनी पानी पी ले, कुत्ती कमीनी पानी। अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे ऊपर, मेरी स्किन भी हाइड्रेट रह रही है। अब देखते हैं ये हैक दीदी पे काम करता है या नहीं। कुत्ती कमीनी पानी पी ले, कुत्ती कमीनी। हाँ जी बहन जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हो। हाँ मुझे नंबर दे दो, मैं नोट कर लेती हूँ। बेटा जापान लेके आई हो एक? हाँ मम्मी अभी लाई। नहीं भेजा है मैंने, जीतू को भी ले आएगी 2 मिनट में। बैग में देखती हूँ, इधर इधर इधर, अरे तो चल ही नहीं रहा। यहाँ देखती हूँ, इधर भी नहीं है। ड्रॉअर में यहाँ भी नहीं दिख रहा। कहाँ देखूं? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है। टेरेस पे चेक करती हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अबे यार ये तो यहाँ भी नहीं है। हाँ बात तो सही कर रही हो। मम्मी पेन तो मैं ला नहीं। अच्छा चल कोई बात नहीं। बहन जी एक सेकंड रुको बस। हाँ दे क्या नंबर बोल रही हो? 99 19। अरे अरे धन्यवाद बहन जी, थैंक यू जी। ठीक है मैं करती हूँ फोन। मम्मी क्या है आप हमेशा मेरा मजाक बनाती हो। जब ड्राई स्किन है तो मजाक ही बनाऊंगी ना बेटा। नहाने के बाद कोकोनट ऑयल लगा लिया कर, ऐसी स्किन नहीं होगी तेरी। पर मम्मी कोकोनट ऑयल तो सर्दियों में जम जाता है ना, पर कैसे? तो 30 सेकंड उसको माइक्रोवेव कर ले। हर बात मम्मी बताएगी पर बेटा, है ना? सही बोल रही हो। तो जैसा मम्मी ने बोला था ठीक वैसे ही गरम तेल को मैंने इवनली पूरे हाथों पे अप्लाई कर दिया और देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। नारियल तेल मैं भी तो गरम करके लगाती हूँ। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई कि मैं गरीब हूँ। हम तो पिज्जा भी तवे पे गरम करके खाते हैं, उसके लिए क्या माइक्रोवेव खरीदूं? गूगल से पूछते हो। हाउ टू प्रिवेंट योर ड्राई स्किन इन विंटर्स? नो बाथ एंड शावर, मतलब पूरी ठंडी नहीं नहाना है। मैं इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं कहाँ चली। अरे यार कोई हॉट वाटर बैग ला दो ना प्लीज। आपको पता है सर्दियों में पीरियड्स का दर्द इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब कि पिचक जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लो कम हो जाता है, तो दर्द नॉर्मली ज्यादा होता है। तो सिकाई से आपको रिलीफ जरूर मिल जाएगा। ओ आराम आराम से चलना भाई, हालत खराब हो रही है। इस ड्रॉअर में होगा शायद। अरे यहाँ पे कहाँ कहाँ ढूंढू? कहाँ रखती है मम्मी सारा सामान? अरे चावल। और ये शराब गैस पे क्या कर रही है? मेरे काम आ जाओ भाई, इसी के अंदर भर लेती हूँ पूरा। अब हम हिंदुस्तानी है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही लेंगे। चलो माइक्रोवेव भी कर दिया। अब निकाल के इससे अपना पेट सेक लेती हूँ। ओहो क्या मस्त आराम मिल रहा है। मम्मी मम्मी मेरा सॉक्स कहाँ है? ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। अरे कहाँ रखती है? विंटर्स में भी ग्लास स्किन चाहिए? कोई बात नहीं, मेरे पास एक है कि मैं बताती हूँ। तो उसके लिए आपको चाहिए आपके शेड का फाउंडेशन, फेस सीरम एंड हाइलाइटर। अब आपको एक एक करके इन तीनों को मिक्स करना है और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो लग रही है ना एकदम ग्लास स्किन, वो भी विंटर्स में। और ये वो स्टूडेंट है जो चीटिंग करके भी 0 नंबर लाते हैं। मुझे भी ग्लास स्किन चाहिए। फाउंडेशन, सिरम, हाइलाइटर तो है ही नहीं। उसके बिना ग्लास स्किन कैसे आएगी? क्या कर रही हो तुम? 2 मिनट बस। ये रही मेरी ग्लास स्किन। तो ये था हमारा विंटर हैक वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ये भी बताना कि कौन सा हैक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ढेर सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा शेयर भी कर देना। बस अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।